रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से यहाँ मिलेट्स से बने व्यंजनों का भोज रखा गया। मिलेट्स से बने अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को सत्ता पक्ष विपक्ष और अधिकारियों ने ग्रहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मिलेट्स ये 2023 घोषित हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार 2022 से ही कोदो कुटकी सहित कई मिलेट्स समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। वहीं आज कोदो कुटकी से बने व्यंजनों का सीएम बघेल समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने स्वाद चखा और यह शरीर के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। छत्तीसगढ़ में पहले ही कोदो कुटकी रागी का उत्पादन होता रहा है और 2022 में ही हम लोगों ने कोदो कुटकी रागी का खरीदी शुरू किया और इस साल लगभग 52,000 क्विंटल हम लोग कोदो कुटकी रागी खरीदी की है और इस साल उसका उत्पादन भी बढ़ा है, क्योंकि समर्थन मूल्य कोदो और कुटकी का था नहीं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र राज्य है जहां कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है। किसान 1500 से 1800 के बीच में वो अपना कोदो कुटकी बेच देते थे, सरकार के द्वारा 3000 घोषित करने के बाद लोग और उसका रकबा भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है।